क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है? क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, क्या आप भी जानना चाहते हैं मोबाइल साउंड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करें? तो ये वीडियो यदि आप पूरी देख लेते हैं तो आपके स्मार्टफोन में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चाहे रिंगटोन की हो, चाहे आपकी मीडिया की हो, किसी की हो, अगर आप गाना सुनते हैं तब भी आवाज़ कम आती है, ठीक है, या कॉल आती है तब भी रिंगटोन की आवाज़ कम आती है, सब कुछ फिक्स कर दूंगा आवाज़ से संबंधित आपके स्मार्टफोन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बताते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, नॉलेज अच्छी लगे, अगर आपका काम अच्छे से हो जाए तो वीडियो को बाद में ही लाइक करना और बाद में ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मोबाइल की सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है साउंड यहाँ पे और वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा है साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये तीनों आपके इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, वाइब्रेट ऑन साइलेंट, ये दोनों आपके ऑन होने चाहिए। ठीक है, साइलेंट मोड आपको हटा देना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया का वॉल्यूम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे रिंगटोन आपकी वो रिंगटोन होनी चाहिए जो आवाज़ ज़्यादा देती हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आप अपने फाइल मैनेजर से लगा सकते हो तो यहाँ पे कस्टम है, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे आप अपने यहाँ पे फाइल मैनेजर में जो आपकी डली होंगी सॉन्ग वगैरह रिंगटोन वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं डायल पैड ट्यून टच साउंड इस तरीके से, ये आपके ऑन होंगे ऑन ऑफ होंगे, यानी आपको सबको इस तरीके से ऑन करना है। क्या करना है, इस तरीके से ऑन करना है। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ से आपको बस बाहर निकलना है। अब ऊपर से नोटिफिकेशन बार को खींचना है। ठीक है, यहाँ पे रिंग नहीं होती, वाइब्रेट हो जाता है कभी कभी, तो इसे आपको रिंग पे रखना होगा। ठीक है, और अपने वॉल्यूम वाले अप वाले और डाउन वाले, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ऊपर दबाएंगे तो ये आपको इस तरीके से बढ़ा लेने होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आवाज़ नहीं आ रही तो क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन आप मात्र 2 MB शायद 2.8 MB की यहाँ पे आपको मिलेगी, इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल इसका लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे इंस्टॉल करना चाहिए, जल्दी से यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल होने लगी है, अभी आपके फ़ोन में ये वर्क करेगी। तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल से यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, मैं बाहर निकलता हूँ, अब बस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इसका इंटरफेस इस प्रकार का नज़र आएगा, इसे आपको ओके करना है। ठीक, इसे आपको बढ़ा देना है। ठीक है, इससे बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने बढ़ा दिया, बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत आवाज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि लिखा है वॉल्यूम बूस्टर गुडवी बूस्ट इन ऑन, ठीक है, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑन बने रहने देना है, आपकी आवाज़ भी बूस्ट हो जाएगी, बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बिल्कुल मैंने लाइव आपको यहाँ दिखा दिया है। मिलता हूँ मैं फिर से एक अच्छी वीडियो लेके, कुछ ऐसी ही वीडियो लेके, हेल्प की वीडियो लेके, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। सभी से जय हिंद।